अस्सलामु अलैकुम गर्ल्स एंड बॉयज। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की तीसरी मसावात। यूनिट नंबर 2, काइनेमैटिक्स, क्लास 9th फिजिक्स। मोशन की तीसरी इक्वेशन के अंदर हम दर्ज ज़ैल फिजिकल क्वांटिटीज में ताल्लुक को पढ़ेंगे, तो हरकत की तीसरी मसावात में इस्तेमाल होने वाली तबई मकदारें फिजिकल क्वांटिटीज। इब्तदाई वेलोसिटी वी आई, इनिशियल वेलोसिटी, वी मीन वेलोसिटी और आई मीन इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी। फासला डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एस। आखिरी वेलोसिटी वी एफ, वी मीन वेलोसिटी और एफ मीन फाइनल, वी एफ फाइनल वेलोसिटी। और चौथी फिजिकल क्वांटिटी तबई मकदार ए एक्सेलरेशन इसरा। अब हम इन मकदारों में ताल्लुक जोड़ के मोशन की तीसरी इक्वेशन, हरकत की तीसरी मसावात डिराइव करते हैं। हेलो गर्ल्स एंड बॉयज, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की तीसरी मसावात। स्टार्ट कुछ यूं लेंगे, फर्ज करें कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से हरकत करते हुए जिस्म की इब्तदाई वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है। फासला एस तय करने के बाद ये तब्दील होकर वी एफ हो जाती है, वी एफ मीन फाइनल वेलोसिटी। जिस्म के तय करदा कुल फासला को खत ए बी, ये ग्राफ है के नीचे शेडेड एरिया, शेडेड एरिया जहां मैंने ग्रीन कलर के डॉट लगा दिए हैं, से दिखाया गया है। अब हम स्पीड टाइम ग्राफ को लेंगे, जिस्म का जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, कुल तय करदा फासला है, वो खत जो रेड खत आपको नजर आएगा ग्राफ के अंदर, उसके नीचे कुल एरिया इस्तेमाल करेंगे और फिर एक फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इस एरिया को मालूम करेंगे और मतलका कीमतें दर्ज करके इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले स्पीड टाइम ग्राफ आपके सामने हाजिर है और स्क्रीन पर आपको दिखाया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप स्पीड टाइम ग्राफ देख रहे हैं, वाई एक्सिस पर स्पीड है यानी वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पर टाइम है। ओ से ए तक इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और इसके सामने डी से सी तक भी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, फिर ओ से लेके ई तक फाइनल वेलोसिटी वी एफ है और इसके सामने बी डी या डी बी फाइनल वेलोसिटी है। इस ग्राफ को पहले भी क्लियर किया जा चुका है, नीचे एक रेक्टेंगल बनी हुई नजर आ रही है ओ ए सी डी, और इस रेक्टेंगल के ऊपर एक ट्राइंगल है, एक मसलस है ए बी सी। तो ये जो लाइन चल रही है ए से बी की तरफ, ये ए एक्सेलरेशन है। खत ए बी के नीचे जितना भी कवर्ड एरिया है, जितना भी शेडेड एरिया है, वो हमें टोटल डिस्टेंस कुल फासला देता है। तो आप ग्रीन कलर के डॉट देख रहे हैं, जो डायग्राम जो ग्राफ नजर आ रहा है उसके मुताबिक ओ ए बी डी, इसका कुल एरिया, इसका फार्मूला है बाकायदा एक, उसको इस्तेमाल करेंगे, ये कुल एरिया मालूम करेंगे, ये जो शेडेड है यानी ग्रीन डॉट से नजर आ रहा है, सब्ज रंग के डॉट लगाए गए हैं, नुक्ते लगाए गए हैं, फार्मूला इस्तेमाल करके
कुल एरिया लिखेंगे और कुल एरिया ही बॉडी का जो डिस्टेंस कवर्ड है, जो बॉडी का कुल डिस्टेंस उसने कवर किया है उसके बराबर होता है। तो चलते हैं जी, स्पीड टाइम ग्राफ जिस्म का कुल तय करदा फासला खत ए बी के नीचे कुल एरिया के मसावी है, इक्वल है। तो एस यानी डिस्टेंस फासला कुल एरिया किसका, ओ ए बी डी का, ओ ए बी डी का, इसके नीचे जितना भी एरिया आता है और इसको ग्रीन डॉट से सब्ज रंग के डॉट से जाहिर कर दिया। इसका एक डायग्राम का एक फार्मूला है, इसमें दो साइड्स आपको नजर आएंगी जो आपस में पैरेलल हैं, ओ ए और बी डी, इसकी एवरेज ली जाएगी और बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे जरब कायदा, यानी जो मतवाजी इजला हैं उनकी औसत जरब कायदा। तो एस कुल एरिया ओ ए बी डी का बराबर ओ ए, ये पैरेलल साइड, फिर बी डी ये पैरेलल साइड आमने सामने, बटे में दो यानी इनका औसत ले लिया एवरेज, मल्टीप्लाइड बाय बेस ओ डी कायदा। अब बच्चों ये जो टू है दो है दूसरी तरफ जाके इस एस से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2s बराबर ओ ए जमा बी डी जरब ओ डी। इसको हमने इक्वेशन नंबर एक, मसावात नंबर एक का नाम दे दिया। बच्चों हमें यहां इस ए बी की स्लोप से पता है कि ये बराबर होती है बी सी बटे ए सी, और ए सी बराबर है ओ डी के। तो बी सी बटे ए सी और ए सी की जगह ओ डी लिखेंगे, ये वाला बराबर जो है आमने सामने के जिले। तो बी सी बटे ओ डी क्या है, बराबर है ए के एक्सेलरेशन के। अब मसावात एक के दोनों तरफ, मसावात एक के दोनों तरफ बी सी बटे ओ डी से जरब देने से, ये जो इक्वेशन नंबर वन है ऊपर आपको नजर आ रही है, इसको हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी सी बटे ओ डी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखा हमने मसावात एक के दोनों तरफ बी सी बटे ओ डी से जरब देने से। तो आगे चल के हम जरब देते हैं, लेकिन उससे पहले देख लें ग्राफ के नीचे बी सी बराबर बी डी के है, बी सी ये बी सी ये किसके बराबर है, बी डी माइनस सी डी, बी से सी तक कुल बी डी और उसमें से सी डी को माइनस किया, तो बी सी इक्वल है बी डी माइनस सी डी, और बी डी है जनाब वी एफ माइनस सी डी है वी आई। तो ये याद रखना है बी सी बराबर बी डी माइनस सी डी बराबर है वी एफ माइनस वी आई। और आगे हम बी सी बटे ओ डी को दोनों तरफ इक्वेशन वन के जरब करके इसको मजीद हल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स, इक्वेशन वन को हमने दोनों तरफ बी सी बटे ओ डी से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट साइड को भी, और राइट साइड थी ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाइड बाय ओ डी, किससे, इधर भी बी सी ओवर ओ डी। तो ओ डी और ओ डी राइट साइड पे तो कैंसिल हो गया, सिर्फ बी सी रह गया। अब 2s उसी तरह, 2s उसी तरह, बी सी बटे ओ डी बराबर है ए के, इसकी जगह ए, तो 2s जरब ए। दूसरी साइड पे ओ ए प्लस बी डी ये लिखा हुआ है, और बी सी किसके इक्वल है, पीछे हम बता चुके हैं, ये बी डी माइनस सी डी के बराबर है, लिख दिया। अब तरतीब लगाएंगे, अरेंज करेंगे, ये बुक पर तरतीब नहीं है, मैंने लगा दी है, यहाँ से मैंने थोड़ी सी चेंज की है बुक से, ईजी है। तो ये जब 2s को 2s को a से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये बन गया 2as। दूसरी तरफ bd को मैंने पहले लिख लिया, oa को बाद में, इंटू bd माइनस cd, सेकंड मेंबर के मुताबिक पहले की हमने तरतीब लगा दी। तो
अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों, जब ग्राफ में हम देखते हैं तो बी डी बराबर है वी एफ, आगे प्लस है, ओ ए इक्वल है वी आई इन टू फिर बी डी वी एफ, और सी डी इक्वल है ओ ए के और ओ ए इक्वल है वी आई। तो इस तरह 2AS इक्वल हो गया वी एफ प्लस वी आई इन टू वी एफ माइनस वी आई। यहां एक फार्मूला इस्तेमाल होगा जी, थोड़ी स्टूडेंट 2AS इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई इन टू वी एफ माइनस वी आई, फर्स्ट मेंबर फर्स्ट जैसा और सेकंड सेकंड जैसा, एक दफा प्लस है एक दफा माइनस है और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो फार्मूला ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो उसके मुताबिक लेफ्ट साइड पे 2AS उसी तरह और राइट साइड पे वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। इट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरह हमने तीसरी इक्वेशन को भी प्रूफ कर दिया डियर स्टूडेंट्स। तो अब आगे कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो इन तीनों इक्वेशन से मुतलका है। दो इक्वेशंस को पहले पिछले लेक्चर में प्रूफ किया जा चुका है, साबित किया जा चुका है और उनका लेक्चर यूट्यूब पर लोड भी हो चुका है। अब तीसरी इक्वेशन का भी प्रूफ हो गया। तो इन तीनों इक्वेशन से मुतलका चंद अहम बातें हैं वो आपको बताना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इन इक्वेशंस को आपने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स के लिए इस्तेमाल करना है। और फिर ये जो मैं बातें कुछ बता अहम बातें अहम पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ उनका माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। तो उन पॉइंट्स की तरफ बढ़ने से पहले तो डियर स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स आई रिक्वेस्ट यू प्लीज प्लीज द स्टूडेंट्स हु डोंट टिल सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन दैट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी इंपॉर्टेंट लेक्चर मे रिसीव यू आर यू रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ द लेक्चर्स ऑल्सो लाइक एंड शेयर माई लेक्चर्स टू द स्टूडेंट्स class fellows and your relatives that many and many more students and your fellows enjoy these lectures and use for their benefits. तो बढ़ते हैं हम इन अहम points की तरफ जी। तो हरकत की मसावातों यानी equation of motions से मुतल्लिक अहम नुकात, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशंस। नंबर एक, जब कोई जिस्म अपनी मोशन रेस्ट पोजीशन से शुरू करता है यानी पहले वो रेस्ट में है और उसने अब हरकत करना शुरू की, तो उसकी इब्तदाई वेलोसिटी वी आई सिफर होती है। यानी जब कोई बॉडी अपनी मोशन रेस्ट पोजीशन से शुरू करेगी तो वहां हम वी आई इक्वल टू जीरो मीटर पर सेकंड लिखेंगे डाटा बनाते हुए। नंबर दो, जब कोई जिस्म मोशन से रेस्ट पोजीशन में आ जाता है यानी पहले वो हरकत में था, गाड़ी चल रही थी, ब्रेक लग गए, वो रेस्ट में आ गई, तो उसकी आखिरी वेलोसिटी वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी सिफर होती है। तो जब ये सूरत हाल बने कि कोई बॉडी मोशन में थी, उसको हमने बंद कर दिया, ब्रेक लग गई, वो रेस्ट में आ गई, तो वी एफ इक्वल टू जीरो मीटर पर सेकंड लिखेंगे जो डाटा बनाएंगे। नंबर तीन, अगर कोई जिस्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रहा हो और कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी में तब्दीली आ जाए तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही उसकी इब्तदाई वेलोसिटी होती है। यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को तो वी से लिखते हैं, फिर वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी में चेंज हो जाएगी। जो कीमत यूनिफॉर्म वेलोसिटी की होगी वही कीमत इनिशियल वेलोसिटी वी आई की भी लिखी जाएगी। नंबर चार, अगर कोई जिस्म या अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी बढ़ रही हो तो एक्सेलरेशन मुस्बत यानी एक्सेलरेशन की जो भी कीमत होगी उसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे या कोई साइन नहीं लगाएंगे। ए पॉजिटिव होगा, ए बराबर पॉजिटिव वैल्यू या पॉजिटिव गिवन वैल्यू। जबकि वेलोसिटी में कमी की सूरत में मीन जब
वेलोसिटी पहले से ज़्यादा हो रही है, मसलन पहले 20 मीटर पर सेकंड थी, फिर 50 होगी, 80 होगी, 40 हो गई, तो उस सूरत में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, जबकि वेलोसिटी में कमी की सूरत में एक्सेलरेशन की कीमत के साथ मनफी का साइन लगाया जाएगा, यानी एक्सेलरेशन की कीमत जब वेलोसिटी में कमी हो रही होती है तो मनफी होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का लेक्चर क्लोज होता है। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।